गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल कंप्लीट व्यंजन इन हिंदी सब्जेक्ट एंड नाउ आई विल रीड। नेक्स्ट व्यंजन इज श। बच्चों, हिंदी सब्जेक्ट में हम हिंदी व्यंजन रीड कर रहे हैं, तो व्यंजन जो हमारे अब शेष जो रहे हैं उससे कंप्लीट करते हैं आज। फाइन, चलिए अब पढ़ते हैं। ये बच्चों, अगला व्यंजन दिया हमें श। श श से शलगम, श से शलगम। बच्चों, ये एक वेजिटेबल होती है, सब्जी होती है और इसके सैलेड भी बनता है, ठीक है। इससे सलाद भी, सलाद के रूप में भी इसको यूज़ में लेते हैं और इसकी वेजिटेबल भी बनती है। फाइन, नेक्स्ट इसके बारे में हम रीड करते हैं। श श से शलगम पका कर खाओ, इसको खाकर स्वास्थ्य बनाओ, ठीक है। बच्चों, इसको मार्केट से लाते हैं तो इसको साफ करके इसको पका के इसको खाते हैं, या सैलेड में हम इसको ऐसे ही यूज़ में लेते हैं। फाइन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट व्यंजन इज श। श से षटकोण, श से षटकोण। षटकोण मीन्स बच्चों इस तरह की सिक्स लाइंस वाले, सिक्स कहते हैं हम इसको, लाइंस वाला एक फिगर होता है, ठीक है। जैसे इसके एंगल मतलब वो सिक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह के एक फिगर होता है, उसे हम कहते हैं षटकोण, ठीक है। श से षटकोण, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ये है, श से षटकोण की छह भुजाएं रंग भर कर इनको दिखलाएं। देख ली, इसमें छह भुजाएं होती हैं, मतलब ये इस तरह की लाइंस होती हैं, ठीक है। और इसमें सिक्स एंगल्स होते हैं। जब इस तरह के सिक्स एंगल को हम जोड़ के जो एक फिगर बनता है उसको बोलते हैं षटकोण, ठीक है। एक आकृति जो बनती है उसे बोलते हैं षटकोण। तो ये इसमें बताया और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर फिल किए गए। फाइन, चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं। अगला व्यंजन है हमारा स। स से सपेरा, क्या बोलेंगे इसको, स। स से सपेरा। सपेरा बच्चों उसको बोलते हैं जो बीन बजाता है, और जो मतलब स्नेक वगैरह को पालते हैं, ये है ना, सांप को पालते हैं और बीन बजा के उनका तमाशा दिखाते हैं या खेल दिखाते हैं कि मतलब वो कैसे नाचता है ना। तो ये गांव वगैरह में छोटी जगह पे बहुत देखने को मिलता है हमको। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। स से सपेरा बजाता है बीन, सांप नाचे होकर लीन, है ना। जब इसकी आवाज़, बीन की आवाज़ जब सांप सुनता है तो वो ऐसे मतलब मस्त होकर वो डांस टाइप करता है या लहराता है, ठीक है। तो ये कहलाता है स व्यंजन, स। स से सपेरा, राइट। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है व्यंजन ह। ह से हाथी, या ह से हवन। यहाँ पे हवन दिया है, देखो एक ही पंडित जी है जो बैठ के हवन कर रहे हैं, मतलब पूजा वगैरह कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हवन। जिस इसके बारे में लिखा है, ह से हवन ऋषि मुनि करते, खुश होकर मंत्र बोलते हैं, ना। ये ऋषि मुनि जो होते हैं बच्चों, वो हवन करते हैं, मतलब एक आग जलाते हैं, उसमें पूजा सामग्री वगैरह उसमें डालते हैं, है ना, और मतलब सबकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए ये पूजा पाठ करते हैं, तो इसको कहते हैं हवन। फाइन, ह, क्या रीड किया हमने इसको, ह। ह से हवन। नेक्स्ट, टर्न योर पेज। नेक्स्ट व्यंजन इज श। श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय। क्षत्रिय बच्चों जो युद्ध वगैरह करते हैं, जो पहले राजा महाराजाओं के समय पे जो मतलब जो युद्ध वगैरह करते थे तलवार तीर भालों से, उसे क्षत्रिय कहा जाता था। श से क्षत्रिय है बड़ा महान, जो है हमारे भारत की शान, ठीक है। ये हमारे भारत की शान होते हैं, क्योंकि ये जब भी कोई दुश्मन हम पे आक्रमण करता है तो ये उनसे युद्ध करके मुकाबला लेते हैं। फाइन, नेक्स्ट है, नेक्स्ट व्यंजन इज त्र। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। ये लिखा है यहाँ पे त्रिशूल। त्र से त्रिशूल बड़ा भयंकर, धारण करते इसको शिव शंकर। आपने बच्चों शिव शंकर भगवान या शंकर भगवान जो कहते हैं शिव भगवान, उनकी फोटो देखी होगी, उनकी मूर्ति देखी होगी, है ना, उनका शिवलिंग देखा होगा। तो वो शिव भगवान जो होते हैं बच्चों, वो इस तरह से एक त्रिशूल उनके पास में होता है, उनके हाथ में होता है, वो उसको लेके रखते हैं अपने हाथ में। ये त्रिशूल कहलाता है शिव भगवान का, ठीक है। तो ये त्र बोलते हैं इस व्यंजन को, हम क्या बोलेंगे, त्र। नेक्स्ट, नेक्स्ट व्यंजन इज ज्ञ। ज्ञानी, जैसे ज्ञानी, ये लिखा है जैसे ज्ञानी, ठीक है। ये ज्ञानी मीन्स बुद्धिमान, जिसको कहते हैं उन्हें कहते हैं हम ज्ञानी। फाइन, जैसे ज्ञानी देते ज्ञान, सबको देते विद्या का दान।
ये ज्ञानी होते हैं जो बच्चों, मतलब कहने का मतलब वो बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब उनको कई चीज़ों का ज्ञान होता है, बहुत सब उनको ज्ञान होता है, वेद साहित्य पुराण वगैरह इन सब का ग्रंथों का ज्ञान होता है उनको। तो ये सबको ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं सबको। जैसे पहले आश्रम वगैरह जब होते थे जहाँ पे विद्या ज्ञान विद्या ध्यान दिया जाता था, तो वहाँ पे इस तरह से ज्ञानी जो होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो विद्या या पढ़ाई कराते थे। फाइन, ये हो गया व्यंजन ज्ञ। नेक्स्ट है स्र। स्र, स्र से श्रवण, और स्र से श्रमिक भी होता है। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई, इसमें श्रवण दिखाया है, मतलब एक लड़का होता है, उसके बूढ़े अंधे माँ बाप होते हैं, दोनों अंधे होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो आप श्रवण की स्टोरी या कहानी आप कभी पढ़ सुनना अपने पेरेंट्स से या पढ़ना, तो आपको मालूम चलेगा श्रवण एक लड़के का नाम होता है जिस जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है। फाइन, चलिए स्र श्रवण के बारे में हम पढ़ते हैं। स्र से श्रवण था बेटा प्यारा, अंधे माता पिता की आँखों का तारा। ये अपने जो बूढ़े माँ बाप थे जो कि अंधे थे, आँखों से उन्हें दिखाई नहीं देता था, उनकी आँखों का वो तारा था, मतलब वो बहुत प्यारा था, उनका लाडला था। फाइन, नेक्स्ट टर्न योर पेज। बच्चों यहाँ पे व्यंजन कंप्लीट होते हैं स्र श्रवण तक, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको इसके अभ्यास दिए, व्यंजन की अभ्यास दिया है। 15 मिनट। फाइन, इस अभ्यास में हम देखेंगे, इसमें दिया है छूटे हुए अक्षरों को लिखिए, ठीक है। अभी हमने जो स्वर और व्यंजन, पहले हमने स्वर, इससे पहले स्वर कंप्लीट किए थे और बाद में हमने व्यंजन कंप्लीट किए थे, तो यहाँ पे दिया है कि छूटे हुए अक्षरों को लिखिए। यहाँ पे स्वर दिए हैं बच्चों, देखो स्वर, कुछ कुछ स्वर दिए हैं, कुछ ब्लैंक दिए हैं, मतलब यहाँ पे ब्लैंक सर्कल दिए हैं, तो आपको जो ब्लैंक सर्कल है उसमें जो स्वर छूट गए हैं, मतलब जो पूरे फिल नहीं किए, यहाँ पे लिखे नहीं गए, उनको आपको फिल करने, ठीक है, लिख के बताने। जैसे ये स्वर फर्स्ट में यहाँ पे दिया अ, अ से अनार, आपको लर्न हो गए होंगे स्वर बच्चों, है ना, मैंने आपको पहले लर्न करा चुकी हूँ, तो इसको अब हम रीड करते जाते हैं और इसको यहाँ पे फिल करते जाते हैं। अ से अनार के बाद क्या आता है बच्चों, आ, तो यहाँ हम लिखेंगे आ से आ, ऐसे ए बनाना, उसके बाद उसके पीछे एक आ की मात्रा लगाना, ये बनता है आ, आ से आ। नेक्स्ट रीड करेंगे ई, ई, ठीक है, छोटी ई और बड़ा ई। ऊ, ऊ, छोटा उसे उल्लू के बाद क्या आता है बच्चों, बड़ा उसे ऊन, तो क्या बोलेंगे उसको, ऊ, और इसको इस तरह से यहाँ पे इस सर्कल में फिल करेंगे। नेक्स्ट री, ऋषि से ऋषि, उसके बाद आएगा बच्चों ए, ए से एड़ी, इस तरह से फिल करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ये भी आप खुद को करना है ना, आप खुद से लिखेंगे, ये सब चीज़ें आपको लिखनी आनी चाहिए और आपको लर्न होनी चाहिए, खास बात आपको लर्न होनी चाहिए बच्चों, है ना, आपको याद होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए। नेक्स्ट है आई, है ना, ए से एड़ी के बाद आई से ऐनक, इसके बाद क्या आता है बच्चों, ओ, ओ कैसे बोलते हैं हम, ओ, ओ से ओखली। फाइन, ओ से ओखली के बाद में औ, ये लिखा है यहाँ पे औ, औ से औरत, अंग, अंग से अंगूर, और नेक्स्ट अह खाली, ठीक है, ये हम इस तरह से फिल करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों इसको कंप्लीट करना आप, है ना, पेंसिल से आपके इसी बुक में आपको ये कंप्लीट करना है। फाइन, और आप खुद करेंगे, है ना, अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, मदर की हेल्प लीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। फाइन, नेक्स्ट है व्यंजन। अब इसमें हम, इस अभ्यास में हम व्यंजन भी पढ़ देखेंगे। व्यंजन जो कि आज मैंने कंप्लीट कराए है ना, यहाँ पे व्यंजन दिए हैं लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है ना, इसमें कुछ कुछ दिए और बाकी इसमें ब्लैंक छोड़े गए, तो हमको ये व्यंजन कंप्लीट करने हैं, कैसे, रीड करते हुए, है ना, हम बोल बोल के पढ़ पढ़ के इनको कंप्लीट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। फाइन, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट दिया क, क से कबूतर, क आफ्टर ख, ख से खरगोश, देन ग, ग से गमला, और घ से घड़ी, अनेक खाली। नेक्स्ट च, च से चम्मच या चरखा, छ, छ से छाता, ज, ज से जहाज, ज से झंडा, अनेक खाली। नेक्स्ट ट से टमाटर, ट के बाद ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ड से ढक्कड़, अनेक खाली। नेक्स्ट त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवा, ध से धनुष, और इसके बाद आता है न से नल। इस तरह से रीड करते हुए बच्चों बोल बोल के लिखना आप, है ना, पढ़ पढ़ के लिखेंगे तो आपको लिखना तो आएगा ही, साथ में आपको लर्न भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। फाइन, ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है हमारी प, प से पतंग, फ, फ से फल, ब, ब से बकरी, भ, भ से भालू, म, म से मछली, य से यज्ञ,
र से रथ, यहाँ लिखते जाना है आपको, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हाथी और श से क्षत्रिय, इस तरह से लिखना है। त्र से त्रिशूल, ग से ज्ञानी और श्र से श्रवण या श्र से श्रमिक, राइट। इस तरह से ये कंप्लीट करना बच्चों, दोनों अभ्यास आपको कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे बच्चों, यहाँ दिया है कि चित्र पहचान कर सही अक्षर पर गोला बनाओ, ठीक है बच्चों। दोनों साइड आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, ये देखिए, और बीच में आपको अलग अलग अक्षर लिख के दिए गए हैं ना, लेटर्स लिखे यहाँ पे। अब आपको क्या करना है बच्चों इसमें, कि आपको एक एक पिक्चर को अच्छे से पहचाननी है आपको, है ना, और उसके नेम क्या होते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है नेम का, उसको उस पर आपको सर्कल करना है, फाइन। मतलब आपको इन पिक्चर्स के जो नाम है और उस नाम का जो पहला अक्षर होता है उस पर उसको आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है और उसमें सर्कल करते जाना, राइट। लेट स्टार्ट। देखो बच्चों, ये दिया है त्र, क्या है ये, त्र से त्रिशूल, क्या है बच्चों ये, त्रिशूल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं त्रिशूल, पहला अक्षर त्र, त्र से त्रिशूल बोलते हैं ना। यहाँ हम ढूंढेंगे तो त्र ये होता है बच्चों, इसको हम सर्कल करेंगे, ठीक है, आप भी इस तरह से सर्कल करना। नेक्स्ट है बच्चों ये यज्ञ, ऐसे यज्ञ, ठीक है, ऐसे यज्ञ में आप देखेंगे बच्चों कि हमने, सॉरी बच्चों, ये ह से हवन है, है ना, ह से हवन है इसको, तो इसको हवन के नाम से फिल करेंगे, तो हम बोला, हमने बोला हवन है, हवन, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर होता है ह, ह पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट श से षटकोण, श से षटकोण, श को फाइंड आउट करेंगे, येरा, इस पर सर्कल कीजिए। नेक्स्ट है म से मछली, म कहाँ पे ढूंढो, येरा म, म से मछली, इसको सर्कल कीजिए। नेक्स्ट है श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय में आप इस पर सर्कल करेंगे। एंड नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे ग से ज्ञानी, है ना, इसको हम बोलते हैं ज्ञानी, ठीक है, तो ग से ज्ञानी, फर्स्ट लेटर इज ग, सर्कल कीजिए। नेक्स्ट श से शलगम, शलगम, और इसको हमने बोला शलगम, तो फर्स्ट लेटर है श, श पे सर्कल कीजिए। नेक्स्ट है न से नल, है ना बच्चों, तो फर्स्ट लेटर हो गया न, न हमने देखा ये रहा यहाँ पे और इसको सर्कल किया। नेक्स्ट है स से सपेरा, क्या है बच्चों, स से सपेरा, ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा है हमको, ये सपेरा बीन बजा रहा है ना, यहाँ स्नेक है और बच्चे हैं, तो हम इसको बोलेंगे सपेरा। सपेरा का फर्स्ट लेटर होता है स, इसको सर्कल कीजिए। नेक्स्ट है र से रथ, र को ढूंढेंगे हम, ये र, इसको सर्कल करेंगे क्योंकि ये पिक्चर दिया है रथ का, ठीक है, तो र से रथ, तो र पे हम सर्कल करेंगे, फाइन। तो बच्चों ये अभ्यास आप कंप्लीट करेंगे दोनों, और आज हमने व्यंजन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अब इसको जो व्यंजन हमारे रह, आज जो हमने रीड किए और जो इसे पहले वाले परसों जो हमने रीड किए थे व्यंजन, इसको हम आपकी जो हिंदी की राइटिंग बुक है उसमें लिखना भी सीखेंगे, फाइन। थैंक यू।